हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बेटा, आज हम ऑडिटिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, दैट इज़ वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उसका टॉपिक करने जा रही हैं। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सबसे पहले तो एसेट्स की टाइप्स है जो हमने पहले भी कर रखी हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ी थी कौन कौन सी टाइप्स की एसेट्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट आपके पास फिक्स एसेट होती हैं, फ्लोटिंग एसेट्स होती हैं जिसको आप करंट एसेट्स भी बोल देते हो, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं एंड फिक्टिशियस एसेट होती हैं बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट कौन सी एसेट हैं? वो एसेट जो लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाती हैं ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, उनको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, अदर फिक्स एसेट्स हो सकती हैं। फ्लोटिंग या करंट एसेट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, कैश, डेटर्स, बिल रिसीएबल जो विद इन द ईयर चेंज होती रहती हैं। और थर्ड टाइप आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लाइक गुडविल है, पेटेंट राइट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स, तो जो इंटेंजिबल होते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते और जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। उसके बाद आपके पास फिक्टिशियस एसेट हैं जो एक्चुअल में एसेट नहीं है लेकिन उनको ट्रीट एज एसेट्स किया जाता है, लाइक प्रीमिलरी एक्सपेंसिस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स है, तो ये सारी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। तो जो ऑडिटर है उसने इन सब की जो वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन है जो वो देखनी होती है कि वो सही है या नहीं। तो फिक्स एसेट्स जो है जो ग्रुप को बिलोंग करती हैं, जो लंबे समय के लिए गुड्स हमने रखी होती हैं, तो उसमें फर्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। उसकी क्या उसने पॉइंट्स ध्यान में रखने ऑडिटर ने? एक तो उसकी ऑनरशिप है, जो उसकी टाइटल डीड्स को चेक करना है कि उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, उसका ऑनर क्यों कौन है। दूसरा, फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं वो एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग जिसके बारे में लिखा गया है बैलेंस शीट में। थर्ड, मॉर्टगेज, अगर कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया है तो उसका कोई सर्टिफिकेट किस टर्म्स पे, क्या टर्म्स उसकी हैं और किसकी पोजेशन में है उसके बारे में चेक करना। नेक्स्ट, परचेज और सेल ड्यूरिंग द ईयर, अगर और परचेज की गई है या सेल किया गया है लैंड एंड बिल्डिंग को तो उसकी प्रॉपर चेकिंग है जो करना उन एंट्रीज की। अगर उन एसेट्स के ऊपर कोई एक्सपेंसेस किए गए हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के कोई खर्चे किए गए हैं तो उनको अलग अलग के तरह से क्लासीफाई करके देखना। इंस्पेक्शन करनी कि लैंड एंड बिल्डिंग है जो अगर लीज बेसिस पे ली गई है तो उसकी टर्म कंडीशन क्या है। कंस्ट्रक्शन, अगर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट की गई है तो उनमें कितना खर्चा जो हुआ है उसकी प्रॉपर सीट चेक करना, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, आर्किटेक्टर से सर्टिफिकेट है, जो कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी प्रॉपर जो बिलिंग है हुई है उसके बारे में सारा चेक करना। नेक्स्ट है बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग है जो वो सेपरेटली शो की गई हो और उसकी डेप्रिसिएशन है वो तो नहीं डाली गई, क्योंकि लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती और अगर बिल्डिंग है तो उस पर डेप्रिसिएशन डाली हो सकती है, तो ये सारी चीज़ों का उसने ध्यान रखना है लैंड एंड बिल्डिंग में। दूसरी आइटम आपके पास है बेटा प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या है, सेम कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं आपके पास प्लांट एंड मशीनरी जो फिजिकली है, जो वो फैक्ट्री में मौजूद है या नहीं। सेकेंड, ऑनरशिप है जो उसके किसके नाम पे है, किया कंपनी के नाम पे है, उसके रिलेटेड इनवॉइस, बिल वगैरह सारा कुछ है। वैल्यूएशन, ईयरली कितना एडिशन हो रहा है, अगर मशीनरी सेल की जा रही है तो उसको माइनस करना और अगर कुछ और मशीनरी परचेज की जा रही है तो उसको ऐड करना, उसके इनवॉइसेस वगैरह चेक करना। प्लेज, अगर कोई मशीनरी या उसको प्लेज किया गया है, कहीं गिरवी रखा गया है तो उससे उसके अगेंस्ट कोई लोन्स अरेंज किए गए हैं तो उनको भी चेक करना, उस पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लिया गया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल है इफ़ एनी प्लांट और मशीनरी सोल्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया गया है या नहीं, तो ये सारी बातों का ऑडिटर ने ध्यान रखना है। बेटा बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप अपने आप से लिख सकते हो इन पॉइंट को, कि उसकी ऑनरशिप चेक करनी है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, अगर सेल परचेज हुआ है तो कितना हुआ है, अगर उसको गिरवी रखा गया है, कोई लोन लिया उसके अगेंस्ट कितना रखा है, वो आप सब एसेट्स में कर सकते हो फिक्स एसेट में। तो आपके पास नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसके लिए ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वेरीफाई करना कि फर्नीचर एंड फिटिंग है जो उसके रिलेटेड वेरियस बिल्स और इनवाइसेज उनके पास हैं या नहीं। अगर कोई नई आइटम फर्नीचर में परचेज की गई है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको फिजिकली एग्जामिन करना। ऑडिटर को ये भी एग्जामिन करना है कि डेप्रिसिएशन प्रॉपरली चार्ज की जा रही है या नहीं। अगर कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड टू उनके परचेज से रिलेटेड खर्चे किए गए हैं तो उनको कैपिटलाइज करना है या रेवेन्यू खर्चे में डालना है उसके बारे में चेक करना। फर्नीचर की नेट फिगर आफ्टर डेप्रिसिएशन है जो वो बैलेंस शीट में शो की गई हो। एक फर्म अगर फर्नीचर का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करती है तो उसका स्टॉक रजिस्टर भी वो चेक कर सकता है।
ये थी आपकी फर्नीचर एंड फिटिंग्स। इसके बाद आपके पास सेकंड आती हैं बेटा फ्लोटिंग एसेट्स, करंट एसेट्स जो चेंज होती रहती हैं विद इन द ईयर, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, जो रीसेल पर्पज़ के लिए ली जाती हैं और बार बार चेंज होती रहती हैं। तो उसमें फर्स्ट आपके पास आती हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो उसमें वो क्या चेक कर सकता है, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो चेक कर सकता है कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में हेल्ड की गई हैं, और उनको एग्जामिन कर सकता है, उनका कॉस्ट क्या है, उनकी बुक वैल्यू क्या है, कितना उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। सेकेंड है एग्जिस्टेंस, वेरिफिकेशन कर सकता है कि एसेट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकली उसको बुक्स में एंटर किया गया है। नेक्स्ट है ऑनरशिप, किसके नाम पे वो एसेट्स है जो खरीदी गई हैं उनको भी वो चेक करेगा। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी के साथ अंडरराइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो अंडरराइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स कंडीशन भी चेक करेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है हमें, तो उसको कैसे मार्क किया गया है, कहाँ कहाँ पर उसको नोट डाउन किया गया है, किस किस डेट को, उसको चेक करेगा। नेक्स्ट इनकम, ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट ऑल द इनकम जो भी इन्वेस्टमेंट से रिसीव हुई है वो कलेक्ट की गई है प्रॉपर टाइम पे और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया हो, और रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी जो ऑडिटर है वो एग्जामिन कर सकता है कि कंपनीज हैं जो वो रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है बना के रखे कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट है जो पैसा किया है। ये हो गया बेटा इन्वेस्टमेंट से लेकर रिलेटेड वो चेकिंग है जो कर सकता है। इसके बाद आपके पास टॉपिक है इन्वेंट्रीज या स्टॉक जिसको आप बोलते हो, तो इन्वेंट्री और स्टॉक है जो लाइफ ब्लड होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और सेंटर ऑफ द है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो उसमें जैसे लूज टूल्स आ गए, रॉ मटेरियल आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, स्क्रैप आ गई, तो वो सारी आइटम्स का प्रॉपरली रिकॉर्ड है जो वो चेक करेगा। ठीक है, अगर स्टॉक है अगर इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया गया तो बहुत सारा जो है अकाउंट्स हैं उनमें गड़बड़ी है जो हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस वगैरह उसमें कम ज़्यादा शो हो सकता है। तो जब उसने वेरिफिकेशन करनी है स्टॉक की तो किन किन चीज़ों का ध्यान देखना है, ही शुड सिक्योर ए कॉपी ऑफ द क्लाइंट्स फिजिकल इन्वेंट्री है जो उनके बारे में ध्यान रखें। सेकेंड जो है कॉपीज ऑफ द फिजिकल लेआउट अगर जो है उसके पास वो उसके पास होनी चाहिए फिजिकल कॉपीज उसकी लेआउट की। एंड थर्ड ही शुड आया नहीं बेटा ही शुड इंश्योर दैट एडिक्यूएट रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक हैव बीन मेंटेन, एडिक्यूएट रिकॉर्ड्स हैं जो उसके मेंटेन किए गए हों, दैट द पर्सन डिप्लॉयड फॉर द वेरिफिकेशन आर रीजनेबली कॉम्पिटेंट, जिन बंदों को वेरिफिकेशन के लिए लगाया है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर हैं जो उनको ड्यूली रिकॉर्ड किया गया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है स्टॉक में चेक करनी है बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।